हेलो दोस्तों, बात करते हो ओएनजीसी लिमिटेड की। और आप देखिए, 5.5% से के आसपास हमारा स्टॉक बढ़ा है। अगर इंट्राडे को आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी एक तेजी देखने को मिली थी। ओएनजीसी का स्टॉक पिछले दिन वीक भी है, आप देखोगे तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया था। और लगातार एक जो स्टॉक बना है हमारा, वो बुलिश ट्रेंड में लगातार भागता हुआ दिखाई देता है। ये स्टॉक 90 के नीचे था, तब भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है और काफी अच्छा पैसा इसमें बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर भी बाइंग की जा सकती है, कितना टारगेट आप लेकर चल सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसमें तो कितना टारगेट यहाँ से करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पर, कब तक इसमें एक गिरावट का माहौल बन सकता है, बेचना कब इस स्टॉक को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक में जानना। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें ओएनजीसी की तो आप देखिए 117 रुपए का स्टॉक है हमारा इस समय पर, और 5.5% से ज्यादा की यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी इंट्राडे में, बट ओवरऑल 5.5% के आसपास ये बढ़कर बंद हुआ है। बात करें अगर इसके एक दिन के चार्ट की, यानी इंट्राडे चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए कि इंट्राडे चार्ट जो काफी अच्छा दिखाई देता है, काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, वॉल्यूम काफी अच्छा परचेज किया गया है यहाँ पे, डिलीवरी पॉसिबल भी ठीक ठाक बनता हुआ दिखाई दिया, और एक एक ही स्ट्रेंथ है, आप स्टॉक की स्ट्रेंथ देखिए कि कितनी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई देती है। ओवरऑल स्टॉक हमारा सारा दिन एक अपर साइड में ही रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं दिखाई दी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई दी है जरा से भी, और ये इससे ही पता लगता है कि स्टॉक हमारा काफी मजबूत है और काफी तेजी से आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में भी। जिस तरह के बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, जो बीएससी स्टॉक्स होते हैं हमारे, उनमें अक्सर इतना भरोसा नहीं देखने को मिलता है जितना आजकल ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। आप ओएनजीसी देखिए, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए, आप आईओसी देखिए, हालांकि आज का जो दिन रहा है वो रेलवे रिलेटेड रहा है, रेलवे के जो स्टॉक्स रहे हैं हमारे, वो काफी तेजी से भाग गए हैं, बट ओवरऑल अगर आप इन स्टॉक्स को देखोगे जो कि छुपे हुए स्टॉक्स हैं हमारे, जहां पर तेजी तो हो रही है बट उतनी ज्यादा तेजी नहीं हो रही है कि बड़े प्लेयर्स यहां पर आएं और एंटर करके रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खा जाएं, ये इस तेजी को आप एंजॉय कर सकते हैं, इस तेजी में आप अपना पैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो है, एक कंट्रोल्ड ग्रोथ भी हो रही है यहाँ पर, कि 5% 5.5% फ्राइडे को देखिए जब गिरावट हुई थी हमारी, जब बाजार गिरा था वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट इसमें भी देखने को मिली थी, बाजार को अलाइन करके चलता हुआ स्टॉक है हमारा, आज बाजार में अच्छी खासी रिकवरी आई है, तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली ये ऊपर की साइड गया है, 5.5% का यहाँ पर ग्रोथ आई है। बात करें कल परसों और आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है हमारा, तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की, क्या कुछ डिलीवरी आज इसमें उठाई गई है। हालांकि स्टॉक्स ट्रेडेड आप देखोगे यहाँ पर तो वो कंपेयर टू प्रीवियस डेज यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, बट हाँ थोड़ा कंपेरेटिवली स्लो मूविंग हो चुका है हमारा। आप देखिए 68 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ था 25 फरवरी को, 26 को 58 मिलियन के आसपास हुआ था, आज 40 मिलियन के आसपास हुआ है, बट ओवरऑल जो डिलीवरी परसेंटेज है आज का वो है 31% से ज्यादा, 32% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज आज भी है इस स्टॉक में, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर इतनी डिलीवरी बनी रहती है किसी भी स्टॉक में तो वहां पर स्टॉक में तेजी देखने को जल्दी ही मिलने वाली है हमें। ओएनजीसी ऑलरेडी बहुत तेजी से भागता हुआ स्टॉक है हमारा, आप देखिए 5% 5.5% की ग्रोथ आज भी हुई है। इससे पहले भी अगर हम चार्ट पर एक नजर डालें यहाँ पर, तो आप देखिए कि लगातार एक रैली में स्टॉक हमारा बना हुआ है और ये रैली कंटिन्यू रहेगी आगे भी, आप देखेंगे ये रैली आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जो एक टारगेट हमारा 145 रुपये का जो एक टारगेट है वो जल्दी ही आता हुआ दिखाई देगा, बिफोर सिक्स मंथ्स का टारगेट था वो हमारा, बट वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखिए कितनी तेजी से रैली बनी हुई थी हमारी, और वो रैली इस समय पर भी कंटिन्यू है, और वो रैली आप देखिए कितनी ज्यादा ये लगातार एक के बाद एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है स्टॉक। चार्ट की बात बाद में करेंगे। एक जो यहाँ पर बाइंग मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई देता है, जो पहला एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए स्टॉक, वो है डिलीवरी परसेंटेज। यहाँ पर इस समय पर भी, इस लेवल पर भी 32% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज बनी हुई है, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर बड़ी डिलीवरी रहती है, भारी डिलीवरी रहती है, एक्स्ट्रा डिलीवरी रहती है स्टॉक में, इसी बात से पता लग जाता है कि स्टॉक हमारा तेजी से भागने वाला है। ठीक है, आज का दिन देखिए आज के स्टॉक्स में तेजी बनी है, आज रेलवे के स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिखाई दी, ऐसे ही सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ होती है स्टॉक मार्केट में। आज ये इस सेक्टर की ग्रोथ नहीं थी, आज ऑयल एंड गैस सेक्टर का ग्रोथ नहीं था, बट उसके बावजूद भी ओएनजीसी में, ओएनजीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आज भी ग्रोथ देखने को मिली है। आप ओएनजीसी को देखिए, आप आईओसी को देखिए, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखेंगे तो वहां पर एक ग्रोथ मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। आज बैंकिंग स्टॉक्स का दिन नहीं था, ठीक है, आप पीएनबी को देख लीजिए, आप बंधन बैंक को देखेंगे या आईडीबीआई बैंक हो गया हमारा, तो इनमें बहुत मिनिमम या न्यूट्रल जोन ही बना रहा है हमारा ओवरऑल, तो उसकी वजह से ही मैं कहता हूँ कि जब सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ नहीं है उसके बावजूद भी अगर ओएनजीसी बढ़ रहा है, तो जब सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ होगी, जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन जाएंगे, हमारे डिमांड ऊपर जाएगी, तब आप सोचिए कि इस स्टॉक में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। और वही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर इस रेट पर भी लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है
कि ऑयल क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ने वाली है आने वाले समय में, और प्राइसेस डाउनवर्ड जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बाजार की। बाजार ने रिकवरी दिखाई है, काफी अच्छी रिकवरी हुई है। 26 फरवरी को काफी ज्यादा गिरावट थी और उस गिरावट के अंदर ही काफी सारे स्टॉक में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। ओवरऑल निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं हमारे, एंड 50 के 50 स्टॉक्स में हमें उस दिन गिरावट देखने को मिली थी, और वो एक बड़ा गिरावट थी मैं कहूंगा। वहां जितना भी एक रिकवरी का मोड आया था, रिकवरी हुई थी पिछले दिनों बाजार में, वो सारी रिकवरी बाहर जाती हुई दिखाई दी। वो सारी रिकवरी आप देखेंगे तो वो FII जो थे माल बेचकर बाहर लेकर चले गए, पर इस समय पर दोबारा से बाजार में कंट्रोल रिकवरी हो रही है। वो वाली रिकवरी नहीं है कि NSE में ग्लिच हुआ और 28,000 करोड़ पता नहीं कहां बाजार से आ गए और वहां पर बाजार एकदम से उछल गया। मैं दिखाऊं अगर वो डेटा आपको, तो आप देखिए कि जिस दिन NSE का ग्लिच हुआ था उस दिन 28,000 करोड़ की बाइंग बाजार में हुई थी शाम के टाइम पे, और वही एक बड़ा कारण बन रहा था कि बाजार बहुत ज्यादा एक तेजी में दिखाई दिया था उसके बाद, और अगले दिन ही बाजार में फिर से गिरावट हुई थी। और उसके अगले दिन यानी 26 फरवरी को आप देखोगे तो 8,300 करोड़ का माल FIIs ने बेचा था। ठीक है, तो ये लगातार खरीदारी बिकवाली का जो एक माहौल था, 24 फरवरी को जो बहुत भारी भरकम यहाँ पर खरीदारी की गई थी FII की तरफ से, वो अब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बट हाँ लगातार अब यहाँ पर बाजार में खरीदारी का माहौल बनेगा FII की तरफ से भी, DII की तरफ से भी, और वो बाजार को लगातार एक आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो वही एक बात है, आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी मिड कैप में काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, और वो बड़ा कारण बनेगा कि जो हमारे PSU स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को भरोसा है, उनमें तेजी देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, आप देखिए आप यहाँ पर इंट्राडे चार्ट देखेंगे अगर निफ्टी 50 का, तो यहाँ आज भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, 14,800 का लेवल इसने अटेन किया, वहां से थोड़ी गिरावट का माहौल देखने को मिला। उतना स्ट्रॉन्ग चार्ट हमें निफ्टी 50 का देखने का नहीं मिलता है जितना ONGC का मिलता है, क्योंकि वहां पर लगातार बाइंग हुई, बट निफ्टी 50 में तो कई सारे स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, तो वहां पर किसी में बाइंग हुई, किसी में सेलिंग हुई, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो रहे हैं हमारे वहां पर बाइंग हुई, 49 स्टॉक्स रहे हैं जो ग्रीन जोन में बने हुए हैं, तो बाजार काफी तेजी से रिकवरी पर है हमारा, तो वो एक सपोर्ट करेगा हमारे स्टॉक को। अब बात करें चार्ट के, कि चार्ट क्या कुछ कहता है हमारा, तो आप देखिए जैसा मैंने बोला कि लगातार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, जो हमारा सबसे पास का रेजिस्टेंस था जो 26 फरवरी को सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था, बट वो ब्रेक होकर स्टॉक ने नीचे की साइड पे हमारा क्लोजिंग दिखाई दी, वो अब दोबारा से ब्रेक हो चुका है और ये स्टॉक अपर साइड में चला गया है। तो ये जो 114 रुपये का हमारा रेजिस्टेंस जोन बन रहा था वो ब्रेक हुआ और वो अब सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, तो एक सपोर्ट जोन हमें मिल गया 115 रुपये का। ठीक है, अब अगर स्टॉक में कभी भी गिरावट होती तो यहाँ पर हॉल्ट ले सकता है, क्योंकि अब वो वाला FNO एक्सपायरी वीक नहीं है, US को सीरिया के ऊपर दोबारा बॉम्बार्डिंग नहीं करनी है, तो उतने बड़े इवेंट्स मुझे नहीं लगता कि बाजार में आने वाले हैं, बट कॉशियस रहना चाहिए हमें, तो इसीलिए 115 का एक सपोर्ट जोन आप लेकर चलिए कि अगर स्टॉक गिरता है हमारा तो यहाँ तक हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, बट अगर नहीं गिरता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट 120 रुपये का रहेगा। आप देखिए यहाँ पर लेवल टेस्टिंग हो चुकी है, पहले ही 120 रुपये का टच किया था ONGC ने, वहाँ से गिरावट का माहौल, वहाँ से निचले स्तर पर क्लोजिंग दिखाई थी ग्रीन जोन में बनके, बट उसके बावजूद मुझे लगता है दोबारा से 120 की तरफ जाएगा और यहाँ पर हॉल्ट अगर नहीं लेता है तो स्टॉक हमारा आसानी से 122, 123 या 124 तक निकलता हुआ दिखाई देगा अगले ही दिन। ठीक है, तो पॉजिटिविटी जरूर बनी हुई स्टॉक में और ये पॉजिटिविटी आगे भी रहेगी। मैग्दी देखिए, मैग्दी हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में है। ठीक है, आप हिस्टोग्राम देखेंगे तो पॉजिटिव साइड बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। RSI आप देखिए 64-65 का RSI है, तो रिलेटिवली काफी टेक्निकल्स बहुत अच्छे हो रखे हैं, फंडामेंटल्स ऑलरेडी ONGC के अच्छे हैं, और जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर के एक बबल बना हुआ है वो जल्दी ही बस्ट होगा, उसका डिलीवरी परसेंटेज ऊपर जाएगा हमारा, क्रूड ऑयल प्राइसेस का डिलीवरी अच्छा होगा, और जब डिमांड अच्छी होगी, डिलीवरी अच्छी होगी, तो वहां से स्टॉक में और तेजी देखने को मिलेगी हमें आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर बाय रेटिंग मेरी अभी भी रहेगी, हालांकि जो टारगेट है 145-150 का रहेगा मेरा यहाँ पर, बट लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी ONGC को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।